वंदेहं भगवतः वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानां श्रीरूपं सागरजातं सह गिरिनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नमः विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायणेति नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथने सुदास्य औदार्य माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणस्तं शिरसा नमामि नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणि श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवार्ति नाम्ने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रितानां च पालने जीवदुखे सदात्राय श्री नाम प्रेरिताये नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले हरिमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिवार्षभानुमि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्ध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्ति द श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग गुरुधाम सिद्धांत दंतहारिणी नमः गौरवेश्वराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसामदे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमराय ते गौराग्रभाव विस्तर निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवत्ये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दवन लसम संसार दहने दग्ध जीव कुल उधर कारणी करुणा वारिद कृपा वरिदने वंदिते गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाद श्री हरि कीर्तने राहे नवागन महामत मने रोमांच संपात्र हाय गौर प्रेमे वंदिते गुरु चरण कमल
रतगिरि विग्रह सेवनी श्रृंगार विहार मंदिर मार्जनी करीन निजुक्त अनुगत जने वंदिते गुरु चरण कमल चर्वचुचले जल पेयर समय प्रसादन कृष्णेर अति पदु भये भक्त स्वादने निज तृप्त राये वंदिते गुरु चरण कमल त्रिराधा माधव नाम रूप गुने अनंत माधुर्य लीला स्वादने लोभ चित जिनी अन प्रतीक्षणी वंदिते गुरु चरण कमल ब्रज जुग द्वंद रति संवर्धनी युक्ति करे सखी सन वृंदावनी अति दक्षताई प्रियतम गने वंदिते गुरु चरण कमल सर्वशास्त्रे गाये त्रिहरि स्वरूप भक्तगण भावे से अनुरूप किंतु जिनी प्रभु प्रियतम रूप वंदिते गुरु चरण कमल जहर प्रसाद कृष्ण कृपा पाए जारा प्रसादे अन्न गति नई त्रिसंध्या तिरतिरा सब धनी भये वंदिते गुरु चरण कमल गुरुदेवास्तक अति जत्न करी ब्राह्मी मूर्ति परे उच्च करी वृंदावन नाथ श्रीहरि सेवा पाए से वस्तु काल बंदी से गुरु चरण कमल सिंधु चरण जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव वृंदावन वासी पावना
तम बोधि दोषे मुनि तम मत करि तथापि मुखे रहभज मन रहो नाथ तत कवि प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर शिव कवि गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करि तपार सदा शिव धाम अचंत दुर्लभ प्रेम करिवरे दान सिखाए शरणागति भक्ति रखान दैन आत्मनिवेदन वक्ते वरान अवतर पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रखकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगिकार तरंग शरणागति आई विजा दंते त्रिनाकारी भक्ति विनोद परे तुम पद कंदिया सखिया बोले अमिता दिखाए शरणागति करे बोले अंत सिखाए शरणागति करो जय सचि नंदन जय गौरी सचि नंदन जय गौरी सचि नंदन जय धर हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ बार बार हे बार लहनी जसाथ जय
तुम गा धर का धर 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 बोला गौरा
नंद तुम गई जायो ते लोटाया बतारे जार मती ना जलमीला आलोचन बोल से पापी हेलो आरो गेला अश्रद्ध परमानंद चित्तानंद नगरे नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय हाँ दर्द आ सकता हूँ मैं हम लोग बंगला समझ में आता ही नहीं थोड़ी थोड़ी एकदम नहीं जो भजन गाते हैं अब को कुछ पता नहीं चलता है। हाँ देखो अभी उन्होंने जब भजन गाए हैं तो सुन लो उसमें कितनी अच्छी बात है। कहते अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान सुन्न निताय नगर बिड़ाए। इसका मतलब है कहते जो श्री नित्यानंद प्रभु अक्रोध मतलब जिनके अंदर में कोई क्रोध नहीं है, हैं क्रोध नहीं, इसलिए वो इतने दयालु नित्यानंद प्रभु है। हम लोग जगाई माधाई का नाम सुने दो पिया करते शराब पीते थे, महाप्रभु नित्यानंद हरिदास ठाकुर ये दोनों का आदेश दिया बोले जाओ घर घर में जाओ भिक्षा मांगो। बोले किस चीज़ की भिक्षा मांगो? बोले आटा नमक सब्जी चावल का भिक्षा नहीं, भगवान का नाम की भिक्षा मांगो। घर घर में जा कर के सबको बोलो भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करे, इसमें ही शांति सुख किस पे मिलेगा? भगवान की भजन में मिलेगा। जो दो पिय कर वो शराब पी करके हैं आपस में मारपीट कर रहे थे, उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, तो उन्होंने सोचा महाप्रभु का आदेश है। क्या आदेश है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। उन्होंने ये नहीं बताया कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को ही भजन की उपदेश देना, ये नहीं बताया। उन्होंने ये बताया महाप्रभु इसको देखो अभी तो देनी चाहिए ना। तो उन्होंने वहां पर गए बोले बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जब उनको बोले हरि नाम करो बोले हमको उपदेश देने के लिए आए, हरे कृष्ण बोलो। उन्होंने क्या किया? कलश लिया, इतने बड़े हैं मिट्टी का पात्र था जिसमें शराब पीते थे, बोतल में नहीं मिट्टी का इतना बड़ा पात्र में बस दिन रात पी पी करके मस्त रहते थे। और मार दिया सर के ऊपर में, सर फोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, जो नित्यानंद प्रभु इनके अंदर में कभी क्रोध नहीं आता था। सर फोड़ दिए लेकिन बोले भैया भले ही तुमने मेरे सर फोड़ दिया इसलिए क्या तुम्हें को हम प्रेम नहीं देंगे? महाप्रभु को जो पता चला इन्होंने इनके सर फोड़ दिया, महाप्रभु को तो बड़ा क्रोध आया।
उनने सुदर्शन चक्र को बुलाया, बोले चक्र 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 चक्र, सचमुच से सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। ये दोनों पियकड़ देख रहे थे, सचमुच से सुदर्शन चक्र आ गया मारने के लिए, ये तो देख कर कांप उठे, तो मर जाएंगे अभी। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने दयालु महाप्रभु का चरण में गिर गए, बोले प्रभु आप तो प्रतिज्ञा किए हो। बोले क्या प्रतिज्ञा किए? बोले एबे अस्त्र नाधरिव प्राणे कारे नाम नाम आरिव, आपने ये प्रतिज्ञा किया, ये जो अवतार है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का जो अवतार में आप अस्त्र धारण नहीं करेगा, आपने ये प्रतिज्ञा करके आए ना, आपने प्रतिज्ञा किया, जैसे रामावतार में रावण को मार डाले, मेघनाद को मारे, कुंभकर्ण को मारे, सबको मारे, लेकिन ये अवतार में आपने प्रतिज्ञा किया, कृष्ण अवतार सबको मारे, किसको छोड़े नहीं, कोई उल्टा पुलटा बोलते तो चक्र उठा दिया कृष्ण, और कोई उल्टा पुलटा बोलते राम धनुष उठा लिया, लेकिन आपने प्रतिज्ञा किया इसी अवतार में किसको हम प्राण से नहीं मारेंगे, ऊपर से तो नहीं मारेंगे लेकिन अंदर से मार देंगे। अंदर से मतलब हमारी अंदर में बड़े बड़े शत्रु बैठे हुए, कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे हृदय में ये बड़े बड़े शत्रु, ऊपर से तो नहीं मारेंगे लेकिन अंदर से सबको हम मार डालेंगे। इसलिए महाप्रभु ऊपर से किसको मारे नहीं, सबको हरिनाम दिया, बोले हरिनाम करो, भगवान का नाम करोगे ना, तुम्हारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ ये सबसे बड़े शत्रु है, ऊपर का शत्रु इतना बड़ा शत्रु नहीं जितने शत्रु हमारी अंदर में बैठे हुए, बड़े बड़े शत्रु हृदय में, बड़े बड़े शत्रु बैठे हुए अंदर में, बोले इनको मारेंगे, इसलिए उन्होंने सब उनको मारे हैं। इसलिए ये यहाँ पर कहते हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय और अभिमान सुन्न निताय नगर बिराए, कहते नित्यानंद प्रभु क्या करें, नगर नगर में जा करके, घर घर में जा करके सबको प्रेम दे रहे हैं। बोले अधम पति तो जने द्वारे द्वारे गया, हरिनाम महामंत्र दीक्षे बिलाया, इन्होंने कुछ विचार नहीं किया, ये पतित अधम, ये नीचा जाति, ये ऊंचा जाति, उन्होंने कोई विचार नहीं किया है, इन्होंने प्रति घरे घरे गया, प्रति घर घर में गए हैं, हर घर घर में जा करके क्या किया, हरिनाम महामंत्र दीक्षे ने बिलाया, सबको हरिनाम दिया, उन्होंने सबका जात पात उन्होंने कुछ विचार नहीं करके सबको बोला हरिनाम करो, हरिनाम से ही शांति सुख मिलेगा, हरिनाम से और दुनियादारी और किसी चीज से शांति सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अधम पति तो जीवर हरिनाम महामंत्र दित्य ने बिलाया, उसको बाद में जार देखे तारे कहे दंते त्रिनक धरी हमारे किणिया लह बोलो गौरव। देखो ये जो जो बंगला जो कीर्तन है ना, बहुत अच्छी बात है, उसमें ये चीज को अगर समझोगे ना तुम्हारे हृदय प्रेम में गदगद हो जाएगा। वो घर घर में जाकर क्या करते हैं, दंते में तृण का दबा करके, दंते में तृण का दबा लेते हैं, मतलब क्या है, अपना बड़े दीनहीन हो करके हैं, दंते तृण धरी, कहते महा नित्यानंद बोले दांत में तृण का दबा करके, बोले देखो एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, एक बार मेरे प्रभु का नाम ले लो, किसका नाम, बोले श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु का एक बार नाम ले लो, अगर ले लोगे ना बस मैं तुम्हारे पास में बिक जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास में बिक जाऊंगा हैं, एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम ले लो, हमारे किणिया लह बोले गौर हरि। उसके बाद में एतो बोले नित्यानंद भूमे गड़ी जाए सोनार पर्वत जन धुलात लौटाए, कहते इतना बोल करके महाप्रभु क्या कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भूमे गड़ी जाए, मतलब देखो उन्होंने भगवान जीवों को भगवान की भजन में लगाने के लिए क्या नहीं किया, इसको बोल करके ना उन्होंने क्या करते थे, जमीन के ऊपर लौट पोट खाते थे, भैया सबके सब प्रभु का नाम लो, इसी से ही तुम्हारी कल्याण है, इसी से ही तुम्हारी मंगल। बोले सोनार पर्वत जैन धोलात लटाए, कहते श्री नित्यानंद प्रभु देखने में कैसे बड़े लंबे चौड़े, बलदेव प्रभु है ना, हैं बड़े लंबे चौड़े, और जैसे उनका रंग है तप्त कांचन गौरांगी, जैसे राधा रानी का रंग एकदम गोल्डन कलर है, एकदम सोने का जैसे, ऐसे उनका कलर है, ऐसे लग रहा था जैसे सोने का पर्वत जैसे जमीनी पर लौट पोट उठा रहे नित्यानंद प्रभु, सबको लौट पोट उठा करके सबके सब बोलते हैं क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एत बोले नित्यानंद भूमि गड़ी जाए सोनार पर्वत जन धोले तल जाए उसके बाद में है न अब तार जार रति ना जन्मिला लोचन बोले सही पापी एलो आर गल। देखो कितने अच्छी बात कहते हैं, कितने सुंदर भजन है। कहते है न अवतारे, मतलब है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो अवतार हुए, कहते पहले ऐसे अवतार नहीं हुए। आप बताओ राम कभी कभी दरवाजा दरवाजा पर गए, झोली फैलाए, भगवान मेरे नाम लो, भगवान कभी बोले, भगवान राम कभी गए किसी दरवाजा में भिक्षा मांगे, कृष्ण कभी गए किसी दरवाजा पर भिक्षा मांगने के लिए, भैया एक बार भगवान की भक्ति करो, कभी गए हैं? नहीं गए। लक्ष्मण गए, बलदेव प्रभु गए, कोई नहीं गई दरवाजा दरवाजा पर भगवान के नाम को बिलाने के लिए, देने के लिए, ये नहीं गए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना अब तार यार रति ना जन्मिलो, ऐसे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इतने दयालु इतने कृपालु बोले, कहते ऐसे दयालु इतने कृपालु महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अगर ऐसे अवतार में अगर किसकी भगवान की भक्ति में किसकी रुचि नहीं हुआ तो वो व्यक्ति कैसे बोले एलो और गेलो, समझते हो, वो आया और संसार से गया, उससे उसका कुछ उद्धार नहीं हुआ है, केवल आया केवल गया। मतलब क्या है, ये जो मानव शरीर भगवान दिया है 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये भगवान मानव शरीर देते हैं, कितना जन्म के बाद में 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मानव शरीर मिलने से पहले पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जानवर गधे सुअर कुत्ते होकर के ऐसे घूमते रहे हैं, कितने बार ऐसे जीवन गया, उसको बाद में इतने दुर्लभ शरीर मिला। ये मानव शरीर भगवान किस लिए दिया, केवल भजन के लिए दिया, और किसी काम के लिए नहीं दिया। ये घर गृहस्थ के लिए नहीं दिया भगवान मानव शरीर, घर गृहस्थ के लिए ठाकुर जी नहीं दिए ये मानव शरीर, केवल भजन के लिए दिया है। लेकिन हमने आ करके जो काम के लिए आए थे ना वो काम तो रख दिया पीछे, और जो करने के लिए नहीं आए उसमें लग गए, उसमें ही हम लग गए। और आया और गया मतलब जिसके लिए तुम्हें ये मानव शरीर दिया था वो तो काम तुमने किया ही नहीं, और ऐसे उल्टा पुल्टा तुमने काम कर दिया हैं। क्योंकि जो संसार जो माया की बंधन इतने बड़े बंधन हैं, ये मानव शरीर में इतने कर्म हो जाता है उसको भोगने के लिए फिर तुमको 84 लाख जो नहीं फिर जा फिर ये पेड़ पौधा होकर भटकते रहो। लेकिन जो व्यक्ति भजन करते हैं उनके लिए नहीं, जो भजन नहीं करते हैं उनके लिए कहते तू आया और गया तेरा कुछ नहीं हुआ है, कहाँ 84 लाख जन्म के बाद में मिला था, और इसी जीवन में तू भगवान की भक्ति करके ये मानव शरीर से तुम उद्धार होकर के ठाकुर के पास में जा सकते हो, वो तो काम किया ही नहीं, बल्कि माया संसार में लटर पटर होकर के जीवन को तुमने बर्बाद कर दिया, बस मर गया, फिर 84 लाख जीवन में फिर भटकते रहो। इसलिए ये भजन में गा रहे हैं भैया, ये जीवन रहते हुए क्या करो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की भजन कर लो, तब तुम्हारी जीवन धन्य हो जाएगी। अगर जीवन पा करके भक्ति नहीं किया तो आया और गया, फिर तो माया के संसार में फिर जा करके 84 लाख जीवन में फिर भटकते रहो। कितनी अच्छी बात इसमें बताए, इसलिए कोशिश करो थोड़ी थोड़ी ना ये चीज़ को थोड़ी थोड़ी ये चीज़ को समझने के लिए। बंगला जो भजन है बहुत अच्छा अच्छा भजन है, ठीक है, और एक भजन गा लो। जय राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव दैते Hey.
Hare
नित्य गौर हरि बोल 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 माधभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री 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 मद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों के चरण में यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हाँ, गत गले हम लोग क्या सुन रहे थे? हाँ, भगवान कथा की क्या महिमा है, भगवान की कथा की क्या महिमा है। आज भी मैं दो चार श्लोक बोलूँगा, उसको नोट कर लेना, ठीक है? उसको नोट करके कोशिश करना सुनाने के लिए, मेरे को कल सुनाना, ठीक है? तुम लोग सुनाना। इसलिए कद भगवान की कथा में बड़ा शांति है, भगवान की कथा में बड़ा शांति, बड़ा आनंद भगवान की कथा में। देखो, हम संसार में सब दुखी दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी। दुखी दुखी है कि नहीं, बताओ? संसार में कौन सुखी है? सब दुखी। लेकिन तुम एक चीज़ देख लेना, जितना समय तक तुम यहाँ बैठोगे ना, उतना समय तक संसार का सब दुख को हम भूल गए। अब बताओ, संसार का कोई दुख तुम्हें याद है? संसार का कोई दुख याद है? कोई दुख का यहाँ जैसे एक घंटा दो घंटा रहोगे ना, पूरा संसार का सारे दुख को भूल कर बैठोगे। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, ये गौड़िया मठ नहीं, ये क्या है? ये साक्षात भगवान की गोलोक वृंदावन धाम। प्रभुपाद कहते थे, मैं गोलोक वृंदावन से जो भगवान का धाम, भगवान का जो धाम को, ये जो गौड़िया मठ नहीं, ये क्या है? ये गोलोक वृंदावन, ठाकुर का वैकुंठ धाम, अयोध्या द्वारका वृंदावन, महापुरुष का धाम इस जगत में लाया। देखना, जब तक यहाँ पर जितना समय से यहाँ आए हो, कीर्तन भगवान की कथा सुन रहे हो, तब तक तुम कहाँ बैठे हो? भगवान के चरण में बैठे हो, भगवान के धाम में रह रहे हो।
केवल यहाँ से केवल या सीढ़ी से केवल निकलो, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये समस्या, बहू को साथ में बनता नहीं, बेटे को साथ में बनता नहीं, घर में ये लड़ाई, घर में ये झगड़ा, घर में असर, केवल एक सीढ़ी से नीचे उतरते ही ना तुम्हारे दिमाग में सब चीज आने लग जाएगी। लेकिन जब तक यहाँ बैठे हो कोई याद है नहीं। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनते हैं वो भगवान की गोद में बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हो? ठाकुर जी की गोद में यहाँ पर बैठे हुए हो। इसलिए कहते भगवान की कथा में बड़ा शांति है, बड़ा सुख है। तभी तो तुम लोग ने घर छोड़कर 4 बजे उठ करके नहा धो करके हैं, नहा धो करके यहाँ पर आरती में आ जाते हो। कितना समय से आए हो, किस लिए आए हो? मन को शांति मिले, मन को केवल शांति के लिए हम आते हैं, हैं? और जो कुछ करते हैं उसका मूल उद्देश्य जीवन में शांति मिले। इसलिए यहाँ पर भागवत में भगवान का जो कथा को अलग अलग नाम दिया, इसको एक एक श्लोक लिखना, अलग अलग नाम दिया। कहते भागवत कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, ये भगवान की जो कथा क्या है? कहते निवृत तसई रूपगीय मनात भव औषध छोत्र मनोविरामात कहा उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्यते बिना पशुघ्नात। यहाँ पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा कैसे हैं? निवृत तसई रूपगीय मनात भव औषध छोत्र मनोविरामात। उन्होंने उदाहरण दिया जैसे हमें कोई बीमारी है हो जाए, पर हम मेडिसिन लेते हैं। क्यों मेडिसिन लेते हैं? बीमारी हमारी सही हो जाए, इसलिए हम मेडिसिन लेते हैं। कहते उसी तरह जो भगवान को कथा को उन्होंने उदाहरण दिया, ये मेडिसिन है, ये दवा है। बोले किस चीज की दवा है? बोले भव औषध। भव औषध मतलब भव, मतलब भू धातु से भव हुआ। ये जो पुनरपि मरणम पुनरपि जनन जनमम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जैसे शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? माँ के गर्भ में फिर जाएंगे, माँ के पेट में फिर जाएंगे, फिर जन्म लोगे, फिर मरने के बाद फिर माँ के पेट में जाओगे, फिर जन्म ग्रहण करोगे। और ये संसार में जन्म होते ही फिर से वही दुख कष्ट अशांति भोगना पड़ेगा तुम्हें, हैं? इसलिए कहते हैं अगर भू मतलब हो तो होना, ये जो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जो जन्म मृत्यु में जो पड़े हुए हैं दुख कष्ट में, सुखदेव गोस्वामी कहते अगर ये भगवान की कथा को तुम पान करोगे, भगवान की कथा को अगर श्रवण करोगे, क्या होगा? ये भव रोग का ये दवा है, हैं? पास तुम्हारी ये संसार का जितने दुख कष्ट, सब दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सब दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ बैठ बैठ करके दुख कष्ट खत्म हो गया, संसार का कोई चिंता ही नहीं है। अगर सचमुच से अगर भगवान की कथा रस को पान करेंगे फिर तो जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए निकल करके चले जाएंगे। तब यहाँ पर बताए, आप बताया भगवान की कथा क्या है? मेडिसिन, दवा। लेकिन एलोपैथी की दवा खाए ना, कितने कड़वा लगता है, झट मुंह में डाल करके पानी दे करके अंदर में झट सटका देते हैं, हैं? झट हम सटका देते हैं पानी दे करके। इसलिए भले आप बता रहे हो ये भगवान की कथा किया, ये मेडिसिन क्या, जैसे एलोपैथी का मेडिसिन जैसे कड़ुई, क्या भगवान की कथा क्या कड़ुई है? अरे नहीं, कड़ुई नहीं, क्या है? स्वत्र मनोभिरामात, ये कान और जो मन को बड़ा शांति देने वाले। भगवान की कथा मन को और आत्मा को बड़ी शांति देता है भगवान की कथा, है बड़ा आनंद मिलता है, शांति देता है भगवान की कथा। इसलिए हमारे श्री पृथ्वी महाराज जब भगवान बोले बर मांगो, क्या बर चाहते हो? बोले नकामयनात तदप्यह कोचित न जत्र जुस्मात चरणा सब हरे। बोले प्रभु प्रभु हमें क्या दो? बोले विधत स्वकर्ण युता मेह समय। कहते प्रभु मेरे को 1000 कान दे दो। कितना दे दो? हैं प्रभु में, और आपके से में कोई चीज की प्रार्थना, नकाम है नाथ तदप्य हम कुछ न जत्र जुस्मत चरणा सब हरे। प्रभु मेरे को वहां पर जन्म मत दिया करो। कहाँ पर? जहाँ पर तुम्हारी जन्माष्टमी नहीं, जहाँ पर तुम्हारी राम रामनवमी नहीं, जहाँ पर राधाष्टमी नहीं,
जहाँ पर होली नहीं, जहाँ पर दशहरा नहीं। दशहरा ना कल था ही ना, दशहरा आज दशहरा है, हैं। इसलिए हमारे देखना भारत में 12 महीना में 13 पर्व है, 12 महीना में 13 पर्व भारत में। और जो कि जितना कुछ पर्व है ना, जैसे होली आएगा होली खेलेंगे, गिरिराज पूजा आएगा गिरिराज पूजा हम गोवर्धन पूजा करते हैं, हैं। रामनवमी में आएगी 9 दिन तक व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी आएगा व्रत रखते हैं, करते हैं ना हम लोग सबके सब। ये भारत में ये सब चीज है और कहीं नहीं ये सब चीज है। इसलिए कहते प्रभु जहाँ पर तुम्हारी ये जन्मोत्सव नहीं, भगवान की कथा नहीं, कीर्तन नहीं, बोले सुरेश लोक अपि नवई सभ्यताम। अगर वो देवलोक अगर क्यों नहीं हो, हैं, वो लोग स्वर्ग लोक क्यों नहीं हो, ब्रह्मलोक क्यों नहीं हो, प्रभु हमें उस जगह हम जाना नहीं चाहते, वहीं पर तो हमें जन्म दो जहाँ पर तुम्हारी कथा कीर्तन भजन पूजा पाठ होता है, हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे आकर कथा सुन रहे हो ना, बड़े भाग्य से सुन रहे हो, समझना बड़े भाग्य से। आप पूरा पूरा बताओ बड़ौत में अभी इस समय कहीं कथा होती होगी, बताओ बड़ौत में कहीं अभी भगवान की कथा होती होगी, कहीं भगवान की कीर्तन होती होगी, कहीं नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ पर हो रही। इसलिए शंकर जी कैलाश छोड़ करके आते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोग देवता स्वर्ग छोड़ करके आते हैं, किस लिए, बोले कथा सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। इतने जो कथा सुनते हैं इतने भाग्यवान हैं, हैं, इतने भाग्यवान जो कथा सुनते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु मेरे को विधत्स्व करना, मेरे को 1000 कान दे दो, मेरे को 1000 कान दे दो, तुम्हारी कथा सुनते रहो, हैं। 1000 कान से बोले 1000 कान क्या करोगे, बोले प्रभु जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं भगवान की कथा होती होगी, इसलिए प्रभु जहाँ जहाँ तुम्हारी कथा होती है मैं उतना रूप लेकर के वहाँ पर जाना चाहता हूँ और तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ। जैसे कहीं की कथा मेरी चूक नहीं जाए, कहीं की कथा मेरी चूक नहीं जाए। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान की कथा क्या है, औषध है, ये दवा है भवरोग से, हैं, मुक्ति पाने के लिए भगवान की कथा सबसे प्यारी मीठी दवा, जो हृदय और कान को जो हमें शांति देने वाले, हृतिकर्ण रसायन कथा है। इसलिए कहते भव औषध छोत्र मनोमात कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान बिरजत बिना पशुनाथ। कहते भगवान की कथा से कौन दूर रहते हैं, बोले जो जानवर को मारने वाले व्याध, जैसे जानवर को व्याध मारते हैं ना, कहते केवल व्याध लोग जो होते हैं, जो जानवर को मारने वाले, उनको ही केवल प्रभु की कथा में रुचि नहीं होती है, नहीं तो जो बड़े भाग्यवान हैं, जो बड़े सौभाग्यवान, उनको भगवान की कथा में रुचि होती है। कैसे भगवान की कथा, बोले निवृत तसई रूपगीय मानात। इसका मतलब है जो मुक्त महापुरुष हो गए, कौन कौन, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, चतुसन कितने ब्रह्मज्ञानी थे, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक इनके कान में पड़ गया, भगवान कथा की महिमा सूचक एक कान में श्लोक पड़ गया, कृष्ण कितने सुंदर है, उन्होंने सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को उन्होंने त्याग दे दिया, दे करके वो निकल करके आ गए। अब पूरी की पूरी उन्होंने भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया, पूरी भागवत कथा को श्रवण किया, हैं। इसलिए इस श्लोक में क्या बताया, भगवान की कथा कैसे है, दवा। अगर ये दवा को खाओगे ना, बस तुम्हारी सारे बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी बीमारी सारी खत्म हो जाएगी, पूरा प्योर हो जाओगे और भगवान को ठाकुर के पास में, ठाकुर के पास में चले जाओगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताए दवा, इसको एक एक लिख कर ले रहा सुखदेव गोस्वामी, बोले कल हम सब सुनेंगे, देखें कौन बोल पाते हैं। और कहते इसको श्री कहते भगवान कपिल देव क्या कहते हैं, भगवान की कथा क्या है, वो कहते हैं बोले सतांग प्रसंगात मम बीज संविदो भवंती हृतिकर्ण रसायन कथा ताजो सना आसो अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमी सति। श्लोक याद है कि नहीं, श्लोक याद है, श्लोक नहीं तब इतना दिन से क्या कर रहे हो, तो ये एक एक श्लोक याद कर लेना, ठीक है। सतांग प्रसंगात लिखो, सतांग प्रसंगात मम बीर्ज संविदो,
इसलिए जब माता देहूति ने प्रश्न करती हैं, बोले बेटा कहते बेटा हैं मेरे कल्याण कैसे होगा, मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल रहता है ना, कभी पियर में, कभी ससुर घर में, कभी बेटे को पास में, कभी बेटी को पास में। कहते पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की संसार में ज़्यादा चिंता स्त्रियों का रहता है। उसको बेटा का ये हो गया, पुरुष लोग तो पैसा कमा करके ला करके दे देते हैं, लेकिन सारे घर गृहस्थी को कौन संभालती है, कौन संभालती है, तुम लोग संभालती है ना। इसलिए ये माँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही माँ देहूति कह रही, बोले बेटा हमारी जो मन है ना, ज़्यादा करके संसार में मन में भटकता रहता है। आज पियर में ये, ससुर घर में ये हो गया, बेटा का ये हो गया, बेटी की ये हो गया, उसको घर में ये है, ये समस्या, हमारा मन बड़ा चंचल है। आप बताओ ये चंचल मन को हम कैसे शांत करें, हैं, इसको भजन में कैसे मन लगाए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूँ, इसलिए बताओ कैसे भजन करें। तब भगवान कहते माँ अगर ये मन को मेरे चरण में लगाना चाहते हो, एक उपाय है, संतों का संग करो, संतों की संग करो। जब बोले संत की संग करो, तो उन्होंने तभी इन्होंने ये श्लोक को उन्होंने बताए, बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो। बोले अगर माँ तू मेरे भक्तों का संग करोगे ना, संतों का संग करो, क्या होगा, सतांग प्रसंगात, प्रसंगात मतलब क्या है, अच्छे तरह से संग करो, ऐसे नहीं आए इधर सुने और इधर निकाल करके चले गए, इधर सुने और इधर निकाल करके चले गए। एक सोता और एक श्रोता और एक श्रोता, हैं, सोता मतलब क्या है, जो कथा में आकर सो जाए, हैं, और एक होता है श्रोता, श्रोता मतलब होता है जो कथा में, जिसका मतलब नहीं केवल दोस्त देखने के लिए जो आए, हैं, ये श्रोता। और श्रोता कौन है, जो सही सही कथा को अपना जीवन में उतार ले, कहते ये श्रोता है। इसलिए श्रोता मतलब होता है अपना जीवन में जो कुछ सुने इसको अपना जीवन में उतारे, मतलब भगवान की भक्ति करे, भगवान की भजन करे, भगवान की कीर्तन करे, भगवान के नाम करे। इसलिए कहते सतांग प्रसंगात, ऐसे संतों का जो प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है जो वास्तव रूप में संतों का जो दिया हुआ उपदेश को सचमुच से जो अपना जीवन में उतारते हैं, कैसे, वो कथा बोले मम वीर्य संविदो, मेरी जो कथा है ना बड़ा बलवान कथा है, बड़ा बलवान कथा। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखो जैसे माताओं को जो पेट में जो बच्चा आ जाता है ना, जब तक पेट में बच्चा नहीं आता है तब तक मन इधर उधर भटकता है, लेकिन माताओं को पेट में जो बच्चा आ जाता है ना, फिर माताओं को ध्यान कहाँ पर रहते हैं, बच्चों में। अभी बच्चों को कैसे बड़ा बनाना, उसको कैसे पढ़ाई करना, उसको कैसे लिखाई करना, उसको कैसे अच्छा बनना, उसको प्रति उनकी ध्यान बच्चे के प्रति चली जाती है। उसी तरह भगवान की कथा, इतने बलवान भगवान की कथा, जब भगवान की कथा को हम श्रवण करेंगे, हैं, क्या मम वीर्य संविदो, वो कथा बड़ा बलवान वीर्यवती कथा है, हैं, संविदो कथा कैसे, बोले हृत कर्ण रसायन। यहाँ पर कथा का जो नाम दिया, कथा कैसे रसायन, कथा को क्या उदाहरण दिया, किसने बोल रहे रसायन, कपिल देव कह रहे, कथा नहीं ये रसायन। रसायन क्या होता है, देखो रसायन एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, जिसको 10 तरह का जड़ी बूटियों से वो दवा बनती है, 10 तरह का जड़ी बूटियों से वो दवा बनती है। वो रसायन को कोई पान करेगा ना, तुम्हारे शरीर का जितने बीमारी खत्म हो जाएगी और शरीर में ताकत आ जाएगी, हैं, ये रसायन दवा है, इसको पीने से क्या होगा, शरीर का बीमारी खत्म होगी और शरीर में तुम्हारी ताकत आ जाएगी। इसका मतलब है ये जो भगवान की कथा को अगर हम सुनेंगे, क्या होगा, हमारी भव बीमारी खत्म, उसको बाद में हमें भक्ति की टर्निंग, ये टर्निंग है, हैं, ये भक्ति पूरा तुम्हारे हृदय में जग जाएगी, हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप लोग आते हो, कथा सुनते हो, देखना जो व्यक्ति कथा में आते ही कथा सुनते हैं ना, वही व्यक्ति का जो भक्ति सही से चलता है। क्यों, रोज कथा सुनते हो, जैसे कि गमला में पौधा लगाया, अगर उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, सूख जाएगी, दो दिन बाद सूख जाएगी, मर जाएगी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जितने तुम्हारी कथा में रुचि है
तुम्हारी भजन में भी उतना रुचि, अगर तुम्हारी कथा में रुचि नहीं तो तुम्हारी भजन, तुम्हारे भजन भी डमाडोल भक्ति है, तुम्हारी भजन सही नहीं हो रही है। इसलिए जिसको जितने कथा में रुचि उसका भजन ही उतना ही बढ़ता है, जिसको कथा में रुचि नहीं उसका भजन देखना माला कभी करते नहीं होंगे, गला में कंठी उतर गया होगा, तिलक कहाँ चलाया गया होगा, डामाडोल गुरु से माला, गुरु जी से माला लेकर कहीं लटका कर रख दिया होगा, भजन नहीं करता होगा कि उसकी कथा में रुचि नहीं है। इसलिए जिसको कथा में रुचि है ना वो उतना उसको भजन में भी उसकी रुचि है, कथा में रुचि नहीं तो सब डामाडोल है। इसलिए यहाँ कहते हैं भगवान की कथा क्या रसायन, ये रसायन को जो टनी को पान करेगा ना बीमारी भी खत्म होगा और तुम्हारे हृदय में भक्ति की भावना, तुम्हारे हृदय में भक्ति की भावना जग जाएगी। रसायन कथा, उस कथा सुनने से क्या होगा, बोले आंसू, आंसू मतलब जल्दी से जल्दी क्या होगा, कथा सुनते सुनते भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा आएगी, भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा आएगी, उसको बाद में फिर भगवान कथा में तुम्हारी रति होगा, फिर धीरे धीरे करते करते ठाकुर का चरण में तुम्हारी प्रेम हो जाएगा, प्रेम मतलब ठाकुर का दर्शन, ठाकुर जी की दर्शन। इसलिए कथा से किया बोले अ प वर्ग वर्तमनी, कहते इसको द्वारा जो प वर्ग, प वर्ग क्या है, कहते प फ ब भ और म, प फ ब भ और म, ये प वर्ग, कहते जो प वर्ग है तुम्हारी समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी मतलब प मतलब होता है परिश्रम, कभी कभी संसार में बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना, दिन रात परिश्रम करते, बोले फ मतलब फेड़, फेड़ मतलब झांक, कभी कभी संसार में इतने परिश्रम करते हैं मुंह से हमारी झांक निकल जाती है, दिन भर परिश्रम करते करते कभी कभी मुंह से झांक निकल जाती है परिश्रम करते करते। प फ बोले ब, ब मतलब व्यर्थता मतलब बेकार, भ भ मतलब होता है भय, म मतलब होता है मृत्यु। कहते अगर जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेगा ना बस तुम्हारी मृत्यु से जय करोगे, संसार का कोई भय नहीं रहेगा, जीवन वृथा नहीं जाएगा, मुंह से झांक निकलने पर भी परिश्रम करने पर भी वो तुम्हारी सार्थकता हो जाएगा। क्यों कारण किया, एक साधारण व्यक्ति भी दिन भर संसार में परिश्रम करता है, साधारण व्यक्ति दिन भर, एक भक्त भी करता है, लेकिन एक जो भक्त करता है परिश्रम, भक्त भी परिश्रम करता है, साधारण व्यक्ति भी परिश्रम करते हैं, लेकिन करने पर भी ऊपर से देखने के लिए क्या लग गया जैसे एक ही, लेकिन अंदर से देखोगे ना आकाश पाताल फर्क है, आकाश पाताल फर्क है। बोले क्यों, बोले एक भक्त जो परिश्रम करता है किसके लिए करता है, ठाकुर जी के लिए। हम क्यों नौकरी में जा रहे हैं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगेगा, भगवान की सेवा में लगेगा। जो परिवार हमारी भक्त का परिवार है, घर में बेटे भी भजन करता है, पत्नी भी भजन करते हैं, परिवार भजन करते हैं, इसलिए उसका जो परिश्रम है ना वो सार्थकता है। क्यों, वो जो कुछ पैसा कमाता है घर में, जब सब भजन करते, सब वैष्णव हो गए घर में, सब भक्त है, ठाकुर को प्रसाद ठाकुर के लिए बनता है, भोग लगता है ठाकुर जी के लिए, बोले इनका परिश्रम सार्थक था। और जो खुद अपना लिए कमा करके भगवान के भोग भोग लगाना नहीं, रसोई बनाया और खुद चट कर लिया, खा लिया, कहते भुंजन ते तो अघम, वो केवल पाप भोजन कर रहे हैं, केवल पाप को ही वो ग्रहण करते हैं, लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रसाद सेवा करते हैं, ठाकुर जी की प्रसाद सेवा करते हैं। ये सत्संग में ये लाभ है, सत्संग करोगे ज्ञान उदय होगा, फिर तो जो कुछ करोगे घर में भी झाड़ू लगाओगे, सोचोगे कहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं किसके लिए, ठाकुर को सेवा के लिए। स्नान करते हो सवेरे सवेरे, क्यों, मंगला आरती का समय हो गया, दिमाग में क्या बैठा हुआ, मंगला आरती का समय हो गया, मंगला आरती में जाएंगे हैं, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी जल्दी नहा लो, तिलक लगाओ, देखो भक्तों का भावना कितना है, हम मंगला आरती में जाएंगे, ठाकुर को सेवा के लिए जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, इसलिए हम नहा धो रहे, चिंता किसकी है, ठाकुर जी की, ठाकुर जी की चिंता है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं माँ अगर साधु संग करोगे ना सब तुम्हारी सार्थकता हो जाएगी, तुम्हारी सब कुछ सार्थकता हो जाएगी, किससे, केवल साधु संग से। इसलिए बिनु सत सा
अंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में साधु संग नहीं मिलता है। बड़े भाग्य से साधु संग मिले हैं, श्रद्धा रति भक्ति। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते बोले माँ भगवान की कथा किया रसायन, और हमारे सुखदेव किया बोले भगवान कथा औषधि। एक श्लोक याद कर लेना, ठीक है ना। दिन भर एक श्लोक वैसी याद नहीं होगा, उसको रटना पड़ेगा। हाँ उसको रटना पड़ेगा तभी जा करके ये श्लोक याद होगी। और कहते श्री सुत गोस्वामी क्या कहते हैं भगवान की कथा किया, बोले काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नस हेतवे। सुत गोस्वामी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों को भगवान की कथा कैसे है, बोले काल व्यालम। कहते जो काल है, व्याल मतलब होता है सर्प, अजगर सर्प जैसे निगल लेता है, इसको जैसे सर्प निगल लेता है, ये काल रूपी जो व्याल है ये हम लोगों को निगल रहा है, हम लोगों को निगल रहा है। मुख ग्रास त्रास निर्नस है तवे। इसलिए भगवान की ये काल व्याल, लेकिन भगवान की कथा कैसे है, कहती है नेवला जैसे। भगवान की कथा कैसे है नेवला, नेवला नेवला बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं नेवला, देखे हो घर में जग हाँ ओ हाँ। इसलिए देखो आप लोग देखना, इधर सुनो, कहते भगवान की जो कथा है ये कैसे, जैसे उदाहरण दिया है आप देखना, नेवला सांप में ना लड़ाई होता है, नेवला सांप अगर खुद देख लिया ना, ये नेवला जब तक तो सांप नहीं मारतेगा तब तो जाएगा नहीं, वो मार करके जाएगा है। इसलिए नेवला अही नकुल समन, दोनों में बड़े लड़ाई है, है? अगर देख लिया देखना, अगर सर्प पर नेवला में लड़ाई होगा ना, अगर किस अगर सर्प अगर कभी काट दिया नेवला को, ये नेवला को पता कहाँ पर मेडिसिन कहाँ दवा है, वो नेवला क्या करेगा फटाफट जाएगा और जा करके ना वो दवा खा कर फिर आ जाएगा, उसको पता दवा कहाँ पर है, हैं। इसलिए जब लड़ाई होते 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 अगर सांप ने काट दिया ना, नेवला सांप को बोलेगा बोले एक्सक्यूज मी अभी मैं आ रहा हूँ, थोड़ी तो रुक जा, अभी रुक जा मैं आ रहा हूँ, अभी तूने काट दिया, वो झटाफट चले जाएगा, जा करेगा ना वो दवा खा लेगा फटाफट, उसको पता दवा कहाँ पर है, वो खा करके फिर स्ट्रांग होकर फिर आएगा, फिर लड़ेगा, फिर सांप से लड़ेगा, लड़ते लड़ते अगर फिर सांप काट दिया ना, बोले भैया एक्सक्यूज मी थोड़ा रुक जा अभी मैं आता हूँ रुक, इसलिए फटाफट जाएगा फिर दवा खाएगा, दवा खा कर फिर आएगा, फिर लड़ाई गया। ऐसे करते 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 लास्ट में ना नेवला क्या करता है, सांप को मार देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, काट करे। उसी तरह इसका मतलब है, उदाहरण देते हैं, ये 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 कहते ये दवा किया, बोले भगवान की कथा, भगवान की कथा। ये काल क्या कोशिश कर रहा है, जीव को ग्रास करने के लिए, हमको ग्रास करने के लिए काल व्यालम। लेकिन कहते अगर ये काल रूपी व्याल मतलब सर्प से अगर कोई बचना चाहते उसको क्या करो, भगवान की मेडिसिन, भगवान की मेडिसिन खाओ। मेडिसिन क्या कथा, भगवान की कथा यही मेडिसिन है। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं आयुर हरति वही पुंसान उद्यन अस्तंच जनसौ तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। देखो क्या कहते हैं ये श्लोक ना लिख लो, आयुर हरति वही पुंसान। इसमें उदाहरण देते हैं, कहते जो सूरज है ना, ये सूरज नहीं ये काल, ये कौन है काल, ये जब पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिमी दिशा में अस्त हो गए, अस्त हो गए तो क्या हो गया, हमारे एक दिन हमारी समय चला गया, हमारी एक दिन समय चला गया हमारी हैं, फिर दोबारा नहीं आएगा समय को। लेकिन यहाँ कहते सबका समय तो नष्ट हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का समय नष्ट नहीं होता। बोले किसको, बोले तत्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितने समय आप यहाँ पर बैठे हो, ठाकुर की कथा सुन रहे हो, ठाकुर की कीर्तन सुने, ये समय तुम्हारे नष्ट नहीं हुआ, केवल इतना ही समय तुम्हारे बच गया। क्यों, जो काल का जो काल है भगवान,
काल का जो काल कौन है? भगवान। जो भगवान की कथा सुन रहे हो इसको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? भगवान की कथा, भगवान के नाम कर रहे हो, कथा से काल भगवान है। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो काल है सबका परमायु को नष्ट करता है लेकिन भक्तों का, इसलिए काल चक्र डराए विष्णुदास। दुनिया काल को डरता है, मरने को सब डरिया, लेकिन काल किसको डरता है? भक्तों को। काल किसको डरता है? भक्तों को। बोले क्यों? कारण किया, भक्त हर समय भगवान की कथा कीर्तन भगवान के नाम जब ठाकुर को सेवा करता है इसलिए भक्तों का समय नष्ट नहीं होता है, हैं? इसलिए एक दिन एक्सक्यूज मी मतलब थोड़ी सी अगर काल अगर कोशिश करेगा हमें खाने के लिए, बोले भैया थोड़ा रुक जाओ हम आ रहे हैं। बोले क्या आ रहे हैं? बोले थोड़ा भगवान की कथा पान करके आते हैं। जैसे सवेरे आप लोग आ गए ना, ये कथा को पी लिया, दवा पी लिया, तुम्हारी काल कुछ नहीं कर सकता है। सवेरे तुमने दवा को पी लिया है, देना दिन भर तुम्हारी काल कुछ नहीं करेगा। क्यों? तुम याद रहेगा, समय नष्ट नहीं करेंगे, समय होगा तो प्रभु का नाम जप करेंगे, कि थोड़ा ग्रंथ पढ़ेंगे, ठाकुर को याद करोगे दिन भर, हैं? इसलिए इनका समय नष्ट नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए सुत गोस्वामी क्या कहते हैं, भगवान की कथा क्या है? नेवला है, ठीक है, इतना याद रहेगा ना? हाँ ठीक है, कल कल फिर मैं तुम लोग से कल सुनूंगा, ठीक है, इसको इसको बंद कर दो। हाँ ये बताओ मैंने कल क्या